Preparations are in full swing to welcome Lord Ganesha. The 10-day-long celebration includes decorating Ganesha idols at home, making and enjoying mouth-watering delicacies, and of course, music, lights and immersion of the idol on the last day. As different states prepare for this annual festival in their own way, Maharashtra and particularly Mumbai usually sees a more grand scale of celebrations during this time of the year. But over the years, the celebration has caused immense pollution in the city, majorly due to the immersion of Ganesh idols in water. The immersed idols cause a huge environmental threat and risk to marine life and can be fatal to human life too. To combat this issue, Rohit Vaste, a Mumbai-based artist, started sculpting eco-friendly Ganesh idols. He uses clay, organic glue and waste paper to build these non-polluting idols. It's been more than 15 years I have been into this field. Eco-friendly Ganesha the, jo mitti ke regular hum log tradition se jo use kar rahe hain, right? To ab isme jo eco-friendly Ganpati hain, unke problems apne alag hai. Disadvantages kaafi hai usme. आप अगर इको फ्रेंडली गणपति लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा, एक तो वेट होता है, ज़्यादा बड़े गणपति उसमें बन नहीं सकते, तो ये चैलेंजेस थे ही पहले से. तो काफ़ी सारे लोग थे जो इको फ्रेंडली लेने से हिचक रहे थे, क्योंकि क्या था ना कि एक तो इतने ज़्यादा वज़न पहली बात, सेकेंडली फ्रजाइल, यानी आपकी उंगली लग जाए और कब गणपति ब्रेक हो जाए, आपकी मूर्ति ब्रेक हो जाए, कोई बता नहीं सकता था. देर वॉज अ वेरी ह्यूज नीड ऑफ चेंजिंग दिस काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट. तो मैंने कहीं पे सुन रखा था कि कश्मीर में पेपर के कुछ आर्टिकल्स बनते हैं, तो वहाँ पर वो लोग बॉक्सेस वगैरह बनाते हैं, बॉक्सेस हैं आपके, फ्लावर पॉट्स वगैरह वो सारी चीज़ें बनाते हैं. अब इस आइडिया को मुझे गणपति में उतारना था, तो 2 से 3 साल तो मुझे खुद लग गए इस कॉन्सेप्ट को इस लेवल तक लाने में. तो ये इसका जो आइडिया आया था वो इको फ्रेंडली का, वो जो मिट्टी के जो प्रॉब्लम है बस उसी को किसी तरह से अपील करने के लिए लिया, हम लोगों ने सोचा था, 2-3 साल में ये कंप्लीट हुआ है. Rohit also explained the process of making these eco-friendly paper Ganesh idols and the ingredients used in them. First of all, it is very light, damn light. Means such a big murti would be, the weight would be somewhere say about 3 kgs, such a big one. Okay. Secondly, it is non-fragile. आसानी से इसके breakages वगैरह होने वाले नहीं हैं. कि आप अगर इसको घर पर विसर्जन करें तो आपके हाथ में ये विसर्जन के बाद 4 से 5 लेयर जो पेपर की होती हैं वो आपके हाथ में आएंगी, आप वो सुखाइए और फिर से आप रिसाइकलिंग के लिए डाल दीजिए, तो उसका फिर से नया पेपर बनकर आएगा. तो पेपर गणपति इज नॉट इवन यूटिलाइजिंग द पेपर, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका. आपके पेड़ पौधे वगैरह वो बच रहे हैं, तो आप अगर पेपर गणपति ले भी रहे हैं तो आप किसी तरह से एनवायरनमेंट को हम लोग यूटिलाइज पेपर कर ही नहीं रहे. फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा आपके हाथ में आएगा, तो गणपति प्लीज़ घर पर विसर्जन कीजिए ताकि वो पेपर यूटिलाइज हो सके फिर से. जब हम लोग पेपर बोलते हैं तो बट ऑफ़ सबके दिमाग में यही आता है कि ये रद्दी पेपर से बना हुआ होगा, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है. रद्दी पेपर हम लोग यूज़ नहीं करते. द रीज़न बिहाइंड, उसमें इंक होता है एंड दैट इंक कंटेन्स द लीड, तो उस वजह से न्यूज़पेपर से ये बन नहीं रहा. ये पूरा आपका रॉ पेपर आ रहा है विच इज नॉट कम्प्लीटली प्रोसेस, कलर्स वगैरह उसमें कुछ होते नहीं है. रोहित वॉन्टेड टू स्कल्प्ट आइडल्स विच वर्न्ट फ्रजाइल, वो लाइट वेट, सो दैट पीपल डू नॉट फेस डिफिकल्टी इन हैंडलिंग देम एंड वर इवन एनवायरमेंटल फ्रेंडली. पूरी तरह से कोशिश की है कि ये सिर्फ आपके जो मिट्टी के गणपति हैं, जिनको मिट्टी के गणपति लेने, इको फ्रेंडली गणपति लेने, तो उनके पॉकेट पर ये बहुत ज़्यादा भारी ना पड़े. तो बहुत हो गया आपका 1000 से 1500 रुपये का डिफरेंस आएगा, उससे ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आएगा आपको. तो आप अगर इसमें बड़े गणपति भी लेते हैं 3 फुट तक के, इतने तो बड़े इको फ्रेंडली बन ही नहीं सकते मिट्टी के, बनाए भी तो फिर उठाना मुश्किल है. तो आप अगर इसमें 3 फुट का गणपति भी लेते हैं तो एक अकेला आदमी वो उठा लेता है. Though the idols are made from paper, the binding is quite strong and the idols are durable and easy to handle.
On immersion, these paper idols do not leave sludge behind like the POP ones, and they get dissolved easily within 5 to 6 hours. The only residue these idols leave behind is paper pulp, which can easily be collected and reused. This is very light and very strong. So, आपके वो सारे problem जो weight का problem था वो सारा हट गया है. Secondly, जो fragileness था वो completely हट गया है. तो वो problem अब नहीं है. तो लोग बहुत खुशी से ये accept कर रहे हैं actually. The size of paper Ganesh idols can vary from 1 to 3 feet, and the price of the paper Ganesh is slightly higher than that of the POP idols. But considering the eco-friendliness of the former, paying a few more bucks wouldn't be harmful at all. आप अगर इतना बड़ा गणपति ले भी लेते हैं तो वो वेट 3 फुट का हाइट का गणपति का वेट मैक्सिमम आपको 10-12 किलो वगैरह होगा, विच वन पर्सन कैन इजीली कैरी दैट. Paper Ganesh idols may not have gained mainstream acceptance to scale up production just yet, but given the urgent need to make our festivals environmentally sustainable, it may be one of the alternatives worth considering. But obviously, ये acceptance तो ले लिया है mainstream ने. जिनकी भी इच्छा थी मट्टी के गणपति eco-friendly बिठाने के, उन्होंने 100% अब मिट्टी के गणपति बहुत कम लोग ले रहे हैं, क्योंकि हैंडलिंग के जो प्रॉब्लम है और फ्रजाइलनेस है, उस वजह से वो सारे लोग अब टर्न हो रहे हैं पेपर गणपति के पास. दे आर वेरी हैप्पी विद दैट. तो मेनस्ट्रीम जा रहा है, नहीं ऐसे बिल्कुल भी नहीं है. इनफैक्ट जिन्होंने पेपर गणपति ले लिया है, दे आर नॉट लाइक, दे आर नॉट टचिंग टू द POP और योर मट्टी. POP को तो हाथ ही नहीं लगा रहे वो लोग, क्योंकि वो तो पहले तो इको फ्रेंडली है ही नहीं. मट्टी का जो लोग ले रहे थे, तो मट्टी के वो डिसएडवांटेजेस की वजह से आज वो लोग पेपर के गणपति ले रहे हैं. दे आर डैम हैप्पी. इनफैक्ट उनके बच्चे भी कैरी कर सकते हैं. कल तो लेडीज़ जो कैरी नहीं कर सकती थी गणपति वगैरह, हम लोग उनको वो एरिया उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड था, बट आज वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहे हैं. तो वो जो बैरियर था बच्चों और लेडीज़ के लिए, वो पूरी तरह से पेपर गणपति ने तोड़ दिया है. हम लोग गणपति के आइडल्स को कम तवज्जो देते हैं, कम इम्पोर्टेंस देते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग डेकोरेशंस पे ज़्यादा पैसे खर्चे करते हैं. ताम झाम, आपका ढोल बैंड बाजा वगैरह, इन पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, और फिर थोड़ा सा हमारा बजट सिकुड़ने लग जाता है. आपको अगर एनवायरनमेंट की फिक्र है, जो कि आज तकरीबन हर किसी को है, तो मुझे लगता है थोड़ा उन चीज़ों का बजट हिलाकर आपको गणपति की मूर्ति की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना ज़रूरी है, ताकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली गणपति आ सके, पेपर गणपति आ सके. ऑल्सो दीज आइडल्स कैन बी ईजली एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज. एब्रॉड में जो लोग थे, तो उनको एक ही ऑप्शन था, वहाँ पर उनको सिर्फ और सिर्फ POP मिल रहा था, क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनल इको फ्रेंडली गणपति है वो तो ट्रैवल कर नहीं पाते बिल्कुल भी, तो उनके पास ऑप्शन नहीं था. तो दे वर लाइक स्ट्रगलिंग विद दिस 100%. लेकिन अब जब पेपर गणपति ट्रैवल कर सकता है, आपके घर पर कुरियर से आ सकता है, तो एब्रॉड में जितने लोगों को गणपति की पूजा करनी थी, गणपति चाहिए थे, वो सारे लोग ऑर्डर यहाँ से कर सकते हैं, एंड दे कैन गेट इट कुरियर टू देयर डेस्टिनेशन स्ट्रेट अवे टू द होम, योर डोरस्टेप. So this Ganesh festival, along with your celebration, you can also make sure to keep the environment safe and healthy. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.